हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस, दिन में सेकंड सेमेस्टर के ऊपर बात करने के बाद अब बात करने वाला हूँ फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर। जिन बच्चों ने अभी थर्ड सेमेस्टर के ओपन बुक एग्जाम दिए हैं तो अब वो फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे। तो फोर्थ सेमेस्टर का सबसे पहले सब्जेक्ट पैटर्न क्या रहेगा, स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, एग्जाम फॉर्म कब फिल करा जाएगा, फीस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबा लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आप हमसे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सब्जेक्ट पैटर्न के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो देखिए, अभी तक फोर्थ सेमेस्टर का जो स्टडी मटेरियल है वो किसी भी कोर्स का अभी तक नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर तक का आ रखा है लेकिन फोर्थ सब्जेक्ट का अभी किसी का भी नहीं आया है। लेकिन हाँ, सिलेबस नहीं आया लेकिन आपका स्टडी मटेरियल कुछ बुकों का आपका डिक्लेयर कर दिया गया है यहाँ पे। जैसे बीए प्रोग्राम का हो गया, देखिए हम नीचे की ओर आएंगे, फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सारे कोर्सेज की मतलब एक दो बुकें अवेलेबल करा दी गई हैं, आप चाहे तो अपनी स्टडी यहाँ से स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे तो लगभग MIL की आ चुकी है आपकी, स्किल एनहांसमेंट कोर्स की भी आ चुकी है। ठीक है, हिंदी की है आपकी। ठीक है, डिसिप्लिन कोर्स में आपकी सारी है, मतलब लगभग आपकी बुकें आ चुकी हैं बीए प्रोग्राम की, लेकिन अभी भी कई आना बाकी है। लेकिन बात ये नहीं है, देखिए पैटर्न आपका सेम रहने वाला है। सबसे पहले पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोग्राम कोर्सेज के चार सब्जेक्ट रहेंगे थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर में भी, ठीक है, लेकिन ऑनर्स कोर्सेज के फोर्थ सेमेस्टर में भी पांच सब्जेक्ट ही रहेंगे। आप जानते हैं जो भी ऑनर्स कोर्सेज थे थर्ड सेमेस्टर में, उन्होंने पांच पेपर दिए थे। और फिफ्थ में अगर मैं बात करूँ, अगर अभी के लिए फिफ्थ में जब आप आएंगे दोबारा आपके चार सब्जेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी थर्ड और फोर्थ में आपको जो भी ऑनर कोर्सेज वाले होते हैं उनको पांच सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन प्रोग्राम का अभी भी वही पैटर्न रहेगा, चार ही सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, जैसा वो आगे देखते आ रहे हैं और वैसा ही उनका आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, तो चार और पांच का ये आपका सब्जेक्ट पैटर्न रहने वाला है। आपके वही कोर कोर्स रहेंगे, AECC का एक सब्जेक्ट रहेगा और एक GE का आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स और एक आपका जर्नल इलेक्टिव का कोर्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल मैंने कहा जैसे देखिए सभी कोर्सेज का अवेलेबल है। BE ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकी कोई एक किताब आ रखी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये आपका हिंदी के सब्जेक्ट का भी आ रखा है, हिंदी सिनेमा और हिंदी की दुनिया का। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं सब्जेक्ट आपका उसका भी आ रखा है। तो अब बात करता हूँ आपकी इससे पहले कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कब मिलेगा। देखिए, स्टडी मटेरियल की सीधी बात करूँ ना फोर्थ सेमेस्टर की, अभी उम्मीद करना छोड़ दीजिए क्योंकि थर्ड सेमेस्टर पूरा निकल गया, स्टडी मटेरियल की तैयारी नहीं कर पाए ऑफलाइन, और फोर्थ सेमेस्टर का भी अभी कुछ भी नहीं आया। लेकिन आगे अभी कुछ नहीं कह सकते, SOL है भाई, कुछ भी कभी भी कर दिखाता है। तो लेकिन फिर भी अभी के लिए तो आप उम्मीद छोड़ के चल सकते हैं एक दो महीने के लिए, एक महीना लगभग। अभी तो मैं यही कहूँगा कि आपका स्टडी मटेरियल एक महीने के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, रिजल्ट अब बात करता हूँ मैं आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की, लेकिन उससे पहले स्टडी मटेरियल का क्लियर कर देता हूँ। अगर मिला तो आपको मई के स्टार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मई के फर्स्ट वीक से अगर आपको मिलना स्टार्ट हो सकता है तो मिल सकता है, लेकिन उसके बाद तो फिर आपके, क्योंकि डेफिनेटली ये बताया जा रहा है कि जून में आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम इस बार SOL ले लेगा। ठीक है, जून में डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के भी, तो फिर आप इस हिसाब से लगा सकते हैं मई में अगर इनको देना होगा तो मई तक जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब बात करता हूँ मैं आखिरी चीज़ की, एग्जामिनेशन फॉर्म आपका कब भरा जाएगा। देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म आपका तब भरा जाएगा जब आपका ओपन बुक एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और वो रिजल्ट कब डिक्लेयर करा जाएगा, कल की वीडियो में बताया था, उसे देखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो तब भरा जाएगा जब आप अपना ओपन बुक एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसमें आप अपना सब्जेक्ट चुनेंगे AECC का और GE का, क्योंकि कोर कोर्सेज तो आपके पहले से सिलेक्ट रहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, आपको बस जैसे ही सिलेक्ट करना होता है वो होता है GE और AECC का आपका सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या होगा, आपको कुछ फीस पेमेंट करनी होगी, 400 या फिर 500 रुपये तक आपकी फ़ीस जो जाती है हर कोर्स की, वो कोर्सेज वाइज जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म फीस होगी तो इस बार आपको 3,500 रुपये नहीं, 500 से शायद मैक्सिमम आपको मैक्सिमम 600 लगा सकते हैं और आप मिनिमम 400 से आप लगा सकते हैं। ठीक है, 400 से 600 के बीच में जो भी आपकी पेमेंट होगी वो आपको करनी होगी। और जैसा मैंने बताया, ये आपका फॉर्म तब भरा जाएगा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और फिर जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे आपको फीस रिसिप्ट जनरेट कर दी जाएगी, जिसके चलते आप अपने स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने जा पाएंगे। वरना जब तक तो आपका ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं होगा आप स्टडी मटेरियल भी नहीं ला पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी सारी अपडेट है फोर्थ सेमेस्टर से भी रिगार्डिंग आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।